हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मेरे YouTube चैनल ट्रेवल टू उत्तराखंड विद संजय में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज फिर हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं एक ऐसे अनोखे शिव मंदिर की, जहाँ पर शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। तो दोस्तों आप अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइबर नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइबर जरूर करें और बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे भव्य मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं जहाँ पर शिव पार्वती का विवाह हुआ था। बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो कि केदारनाथ के पास में पड़ता है, त्रियुगी नारायण धाम, जहाँ पर तीनों युगों से अखंड ज्योति जलती जा रही है। तो मित्रों आप भी हमारे साथ इस वीडियो में इस बहुत ही पुराने मंदिर के दर्शन करिए, जिसकी यात्रा आज हम आपको कराने जा रहे हैं हरिद्वार से। तो इसकी यात्रा करने के लिए, जी हाँ, त्रियुगी नारायण धाम की यात्रा करने के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार और ऋषिकेश और देहरादून में आना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम महादेव के उस धाम के आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आज हम हरिद्वार से आपको यात्रा कराते हैं श्री त्रियुगी नारायण धाम की। तो दोस्तों सबसे पहले हम हरिद्वार से चलते हैं, ऋषिकेश होते हुए हम पहुंच जाते हैं देवप्रयाग में। देवप्रयाग में आपको बहुत ही दिव्य संगम देखने को मिलेगा, जहां पर भागीरथी गंगा और अलकनंदा का संगम होता है, वहीं से गंगा बनती है। और मित्रों वहां से आगे बढ़ते हुए हम आपको ले चलते हैं रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में भी आपको दिव्य और भव्य संगम देखने को मिलेगा, वहाँ पर मंदाकिनी और माता अलकनंदा का दर्शन होता है। इस संगम के दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ चलते हैं गुप्तकाशी में। दोस्तों गुप्तकाशी के बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ। जब महाभारत युद्ध में 5 पांडवों को पितृ हत्या का दोष लगा था, तो पितृ हत्या का दोष से मुक्ति होने के लिए जब 5 पांडव गुप्तकाशी में भगवान भोलेनाथ के पास आए, तो भोलेनाथ वहाँ पर गुप्त होकर केदारनाथ धाम चले गए। और यही गुप्तकाशी है जहाँ पर काशी विश्वनाथ का मंदिर है और मणिकर्णा मंदिर है। और आप अगर आते हो इस धाम में तो गुप्तकाशी के दर्शन जरूर करिएगा। और दोस्तों अब हम गुप्तकाशी से आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग से एक रास्ता गौरीकुंड के केदारनाथ के लिए चला जाता है और एक रास्ता त्रियुगी नारायण के लिए चला जाता है। सोनप्रयाग से त्रियुगी नारायण की जो दूरी है वो लगभग 16 किलोमीटर है। तो अब हम बढ़ चलते हैं त्रियुगी नारायण की तरफ। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं त्रियुगी नारायण धाम में, और आइए आप इस प्यारे से सुंदर से गांव के मनोहारी दर्शन करिए हमारे साथ में। और दोस्तों एक खबर मैं आपको और बता देना चाहता हूं, जब केदारनाथ मूवी में सुशांत सिंह राजपूत का जो गांव रामबाड़ा बनाया हुआ है, वो त्रियुगी नारायण को बनाया हुआ है। आज हम अपनी वीडियो में आपको सुशांत सिंह राजपूत का गांव भी दिखाने जा रहे हैं, और जिस घर में उन्होंने रह कर के शूटिंग किया था केदारनाथ मूवी का, वो घर भी दिखाएंगे। तो दोस्तों देखिए, ये सुशांत सिंह राजपूत का घर है जिस घर में रहकर उन्होंने केदारनाथ मूवी की शूटिंग की थी। दोस्तों इस पावन भूमि त्रियुगी नारायण धाम में हम आ चुके हैं, और आप हमारे साथ दर्शन करिए इस पूरे गांव के। बहुत ही सुंदर गांव है ये, यहां पर सर्दियों में बहुत ज़्यादा बर्फबारी भी पड़ती है। तो चलिए अब हम आपको त्रियुगी नारायण मंदिर के दर्शन कराते हैं, और मंदिर की जो स्टोरी है, मंदिर की जो कथा है, वो आपको विस्तार से बताते हैं। त्रियुगी नारायण मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के त्रियुगी नारायण गांव में स्थित एक हिंदू मंदिर है। प्राचीन मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान नारायण भूदेवी तथा लक्ष्मी देवी के साथ विराजमान है। इस प्रसिद्धि को इस स्थान पर विष्णु द्वारा देवी माता पार्वती के विवाह के स्थल के रूप में श्रेय दिया जाता है, और इस प्रकार यह एक लोकप्रिय तीर्थस्थल है। विष्णु ने इस दिव्य विवाह में पार्वती माता के भाई का कर्तव्य निभाया था, जबकि ब्रह्मा जी इस विवाह यज्ञ के आचार्य बने थे। इस मंदिर की एक विशेषता एक सतत आग है जो मंदिर के सामने जलती रहती है। माना जाता है कि लो दिव्य विवाह के समय से जलती है। इस प्रकार मंदिर को अखंड धुनि मंदिर भी कहा जाता है। आने वाले यात्री इस हवन कुंड की राख को अपने साथ ले जाते हैं, और ऐसा मानते हैं कि उनके वैवाहिक जीवन को सुखी बनाएगी। मंदिर के सामने ब्रह्मशिला को दिव्य विवाह का वास्तविक स्थल माना जाता है।
मंदिर के अहाते में सरस्वती गड्ढा नाम की एक धारा उद्गम हुआ है। इसके कारण इसके आसपास के सारे पवित्र सरोवर भरते हैं। सरोवरों के नाम रुद्रकुंड, विष्णुकुंड और ब्रह्मकुंड, सरस्वती कुंड है। रुद्रकुंड में स्नान, विष्णुकुंड में मार्जन और ब्रह्मकुंड में आचमन और सरस्वती कुंड में तर्पण किया जाता है। भगवान भोलेनाथ और पार्वती का विवाह त्रेता युग से 17,900 वर्ष पूर्व खत्म हुआ था, इसलिए यह तीर्थस्थल किसी भी रूप में 17,900 वर्ष से पुराना ही है। संभवतः पूरी दुनिया में इससे पुराना धर्म स्थल कोई नहीं है। हम आ चुके हैं त्रिगुरुनारायण मंदिर में। ये हम पंडित जी जो कि जिनका नाम है ब्रिज मोहन शर्मा जी, बताएंगे त्रिगुरुनारायण मंदिर के बारे में। तो पंडित जी बताइए हमें, थोड़ा यहाँ की जानकारी दीजिए। तो इस स्थान का नाम है त्रिगुरुनारायण। आपने सुना है, देखा होगा कि हरिद्वार के पास में कंकल है। जब वहाँ पे दक्ष प्रजापति राजा ने यज्ञ किया तो सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, पर भगवान शंकर को योगदान नहीं दिया तो माता सती बिना बुलाए यज्ञ में चले गई। जब सती ने देखा कि यज्ञ में सभी देवताओं का अपमान हो रहा है और भगवान शंकर का अनादर हो रहा है, तो माता सती ने वहाँ यज्ञ कुंड में अपने प्राण उदित। सती ने फिर दोबारा जन्म लिया है। पर्वतों के राजा पर्वतराज वाले के यहाँ माता मैना की कुख में पार्वती नाम से। तो त्रेता युग में भगवान शंकर और माता पार्वती का शादी इसी स्थान में भगवान विष्णु को साक्षी करते हुआ है। यहाँ पर मंदिर के प्रांगण में क्या कुंड है, पहला ब्रह्म कुंड, दूसरा रुद्र कुंड, तीसरा विष्णु कुंड, तीसरा विष्णु कुंड और चौथा है सरस्वती कुंड, तीसरा विष्णु कुंड है और ये चौथा है सरस्वती। बाकी जगह है धर्मशाला। तो बाकी जगह है धर्मशाला। इसी स्थान पे राजा हिमाचल ने अपने पुत्री पार्वती को कन्यादान करके दिया था। जैसे बेटी को दान देते हैं उसमें राजा हिमाचल ने अपनी पुत्री पार्वती को कन्यादान में 7,00,000 करोड़ मूर्ति और 7,00,000 गायें दान करके दी थी। ये गाय बांधने का किला है। तो उसमें राजा हिमाचल ने दान दिया था। तो नारद ऋषि ने कहा, भाई कलयुग में इतना सोना चांदी मोर मोती नहीं मिलेगा, उसके बदले हमें चावलों का दान होता है जो प्रसाद की थाली से मुझे मिलता है। और ये श्री अंत चक्र है शंकर पार्वती बेटी है, जैसी गया की प्रेमशिला है, हरिद्वार का कुशावर्त है, श्री बद्रीनाथ की धर्मशिला है, ऐसी अभिनाम की धर्मशिला है। तो इसके बाद यहाँ पे भगवान विष्णु ने माता अदिति के गर्भ से भागवत श्री एकादशी के लिए पामन भगवान के रूप में अवतार लिया और राजा बलि से तीन बार पृथ्वी दान स्वरूप में मांग कर राजा बलि को पाताल लोक का राज्य दिया। तो भगवान ने तीन लोक को जीता था, आकाश लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक। इसलिए तीन लोक को जीतने वाले नारायण जी के नाम से इस स्थान का नाम है त्रियुगी नारायण। जो तीन युग से जलती रहती है, धनंजय नाम इस लक्ष्मी का है, यही पे भगवान शिव और माता पार्वती ने सप्तपदी फेरे लिए थे जो अखंड आज अभी तक चलती रहती है। तो मित्रों, ये थी कथा त्रियुगी नारायण की। मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको कैसा लगा कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हरिद्वार और ऋषिकेश में हमारा काम ट्रैवलिंग का भी है। अगर आपको त्रियुगी नारायण धाम जाने हो तो या फिर उत्तराखंड में कहीं भी घूमने हेतु टैक्सी सर्विस की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, देहरादून, चार धाम यात्रा,
कहीं के लिए भी आप हमारी सर्विस को यूज़ कर सकते हो। हमारे जो ड्राइवर्स होते हैं हिल्स एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, हमारे जो रेट होते हैं वो रिजनेबल प्राइस होते हैं, और हमारे जो सर्विस देते हैं वो आपको नीट एंड क्लीन कैब सर्विस देते हैं। तो दोस्तों आइए आप उत्तराखंड घूमने अपने परिवार के साथ, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको बेहतरीन सर्विस प्रदान करेंगे। दोस्तों इस टाइम जो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं हमारे, इन नंबरों पर आप फ़ोन कर पूरे उत्तराखंड के लिए कहीं की भी आप बुकिंग करा सकते हो। मैं संजय कुमार हरिद्वार और उत्तराखंड से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय केदार।